हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इट्स कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड ट्रेंड्स। तो फॉरेन ट्रेड क्या है? बेसिकली फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब इंडिया के रेजिडेंट्स किसी और कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ में ट्रेड कर रहे होते हैं, इसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इसमें इम्पोर्ट्स भी आते हैं और एक्सपोर्ट्स भी आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। इम्पोर्ट्स की बात यदि आप करें तो यदि हम इंडिया के रेजिडेंट्स बाहर की कंट्रीज़ से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट है। यदि बाहर की कंट्रीज़ में इंडिया के रेजिडेंट्स कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो आपका एक्सपोर्ट कहलाता है। फॉरेन ट्रेड से हेल्प मिलती है किसी भी कंट्री को कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती है और जो भी उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकती है। साथ ही टेक्निकली यदि साउंड नहीं है कोई कंट्री तो बेटर टेक्निक्स को बाहर से इम्पोर्ट किया जा सकता है। और यदि किसी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है और जैसे कि फ्लड की, ड्रॉट की बात करें तो ऐसे में फूड ग्रेन शॉर्टेज के टाइम पर फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट किया जा सकता है। तो फॉरेन ट्रेड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की हम दो हिस्सों में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो जनरली जो था वो, यदि आप देखेंगे ध्यान से, जो आर्टिस्टिक गुड्स थी वो जैसे कि मसलिन जो ढाका यानी अभी बांग्लादेश में है वो पूरे वर्ल्ड में रिनॉन थी अपने आप में इंडियन गुड। और 1947 से पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले आपका जो ट्रेड था फॉरेन ट्रेड वो आपका मेनली ब्रिटेन या फिर अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ तक रिस्ट्रिक्टेड था, जिसमें आपके एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा सेगमेंट प्राइमरी गुड्स का देखने को मिलता था जो कि फॉर फूड ग्रेन या रॉ मटेरियल से रिलेटेड थे। तो जो आपका फॉरेन ट्रेड है इंडिपेंडेंस से पहले वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया गया है। पहले जैसे कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम 1834 में यदि आप बात करें 186 करोड़ था जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। 1947-48 में ये फॉरेन ट्रेड का जो सेगमेंट था इंक्रीज होकर 792 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा। और कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की यदि बात करते हैं तो बहुत ही कम कमोडिटीज़ थी इंडिया की फॉरेन ट्रेड लिस्ट में और जनरली जो एक्सपोर्ट की जाती थी कमोडिटीज़ उनमें रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ डोमिनेट करती थी, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, रॉ कॉटन, फूड ग्रेन्स, जूट मैन्युफैक्चर्स, टी एंड ऑयल सीड्स। इसके ठीक विपरीत जो इम्पोर्ट की जाती थी वो फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स थी, मशीन्स, केमिकल्स, आयरन और स्टील थे। तीसरी बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की, यानी कि किन कंट्रीज़ के साथ हम फॉरेन ट्रेड करते थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जनरली जो हमारा ट्रेड है वो इंग्लैंड से होता था या कॉमनवेल्थ कंट्रीज से होता था क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। और जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी जैसे बर्मा, कैनेडा, श्रीलंका, इनमें हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद अमेरिका से भी हमारा कुछ ट्रेड होता था। तो 1947-48 के टाइम पीरियड की बात करें तो उससे पहले जितना भी ट्रेड हमारा होता था इंग्लैंड उसमें मेजर हिस्सा रखता था, लेकिन 47-48 के बाद हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड का जो हिस्सा है हमारे फॉरेन ट्रेड में वो कंपैरेटिवली गिरा है जबकि अमेरिका का हिस्सा राइज हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि फॉरेन ट्रेड में कितने एक्सपोर्ट्स हैं, कितने इम्पोर्ट हैं और क्या आपके एक्सपोर्ट आपके इम्पोर्ट से ज़्यादा हैं या नहीं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होंगे? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल कब होंगे? जब आपके इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो या सरप्लस ट्रेड की सिचुएशन हो, ऐसा इंडिया में कम ही देखने को मिला है। जनरली बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ नेगेटिव पाया जाता है। और 1947-48 की यदि बात करें तो
जो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो 14 करोड़ रुपीस का था। हालांकि 1947 से पहले यदि बात करते हैं, जैसे 1939 में 17 करोड़, 1946-7 में 31 करोड़ का फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, 1947-48 में ये रिड्यूस होकर 14 करोड़ हो गया था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जनरली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव दिखाई देता है जनरली। फिर बात करते हैं हम फॉरेन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या चेंजेस आए आपके फॉरेन ट्रेड में, वही अलग अलग सेगमेंट्स में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुआ है 1951 के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लानिंग पीरियड ऑप्ट किया गया था, प्लान्स 5 ईयर प्लान्स फ्रेम किए गए थे, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है काफ़ी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। और इसके साथ हम देख सकते हैं अब जो हमारा ट्रेड है वो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ के साथ किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ गुड्स भी थाउजेंड्स तक पहुंच गई हैं। इसीलिए ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इस टेबल में भी हम डाटा देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का 1951 में, जहाँ पर 3 डिजिट्स में आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स थे, 4 डिजिट में आपका टोटल फॉरेन ट्रेड था। करोड़ की यदि बात कर रहे हैं यहाँ पर, करोड़ रुपीस की टर्म्स में 2016-17 में वो बढ़कर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की जहाँ बात करते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे थे तो जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे वो ट्रेडिशनल गुड्स थी, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि टी, जूट। लेकिन अब इंडिया कंपैरेटिवली मॉडर्न गुड्स का भी एक्सपोर्ट करने लगा है, जैसे सॉफ्टवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें। और पहले हम जो फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करते थे, अब हम केवल फिनिश्ड गुड को इम्पोर्ट नहीं करते बल्कि हम वेरियस कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल को भी इम्पोर्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में पहले आप जैसे कि बात कह रहे थे, अब कैपिटल गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे जो सेगमेंट हैं वो लार्ज मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, लार्ज वैरायटी में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि पहले टी, जूट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट ही आपके एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो मेन जो पॉइंट्स हैं एक्सपोर्ट के बारे में फोकस करने का, वो पहली चीज़ क्या हुई कि डिक्लाइन हो गया आपका परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब आप बात कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो शेयर है एक्सपोर्ट्स में आपके टोटल, वो डिक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, ऐसे में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कंट्री में ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो डोमेस्टिक डिमांड के बढ़ने के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का शेयर एक्सपोर्ट में डिक्रीज़ हुआ है। डिक्लाइनिंग इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स इन टोटल एक्सपोर्ट। पहले हम जूट, टी, फूड ग्रेन्स और मिनरल्स जैसे जो चीज़ें थी उनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब टाइम के साथ इन सब चीज़ों का जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड जो है फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड इन टोटल एक्सपोर्ट्स। टोटल एक्सपोर्ट्स में जितने भी मैन्युफैक्चर गुड हैं उनका शेयर इंक्रीज़ हुआ है। 1970-71 में ये शेयर 56% देखने को मिलता है, लेकिन 2016 और 17 की बात करें तो परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग में 73.6% तक इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ जैम्स, रेडीमेड गारमेंट्स। अब जो है वो इंडिया की जैम इंडस्ट्री पूरे
टोटल एक्सपोर्ट में यदि आप बात करें तो थर्ड प्लेस है अर्निंग्स के हिसाब से। और जेम्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम उभर कर सामने आए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पहले हमारे जनरली कॉफ़ी तंबाकू तक लिमिटेड थे 1990-91 की बात करें, लेकिन 16-17 में आप देखेंगे कि जो वैल्यू है इन आइटम्स की वो कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज हुई है। और फिश प्रिपरेशन की बात करें तो एक्सपोर्ट अर्निंग में इनका शेयर कंसिडरेबली इंक्रीज हुआ है। और ये सब किस चीज़ का रिजल्ट है? ब्लू रेवोल्यूशन का, जिसके कारण फिश प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसके कारण आपके यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ के रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए इंडिया में पेट्रोल को अब ज़्यादा जो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं रिफाइन करके उन्हें भेजा जाता है, और वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा है एक्सपोर्ट में वो पहले से बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस इंजॉय करती हैं वो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कंट्री के। इसी के साथ हैंडीक्राफ्ट और लेदर प्रोडक्ट्स, जो कि ट्रेडिशनल गुड्स रही हैं पहले भी, जिनका एक्सपोर्ट होता रहा था, उनका एक्सपोर्ट अब कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया में जो सॉफ्टवेयर है, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन्हों का भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। 2016-17 में यदि आप बात करें तो 36.8% तक शेयर था इन सर्विसेज का एक्सपोर्ट में, जो कि 8.3% पर एनम के हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल जब आप एक्सपोर्ट्स का सिनेरियो देखते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि जितने भी मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनका ट्रेंड इंक्रीज़ हुआ है, साथ में जो रॉ मटेरियल है उनका ट्रेंड डिक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट या ट्रेंड्स इन इंडियाज़ इम्पोर्ट, कि इंडिया के इम्पोर्ट्स में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। इंडिया के इम्पोर्ट्स के चेंजेस को इन पॉइंट्स में समराइज़ किया जा सकता है कि डिक्लाइन इन इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड ग्रीन्स, एडिबल ऑयल्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कैशू नट्स वगैरह ज़्यादा इम्पोर्ट किए जाते थे 1990-91 में 15.4 तक, लेकिन अब 2016-17 में ये 5.6% तक रह गए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंजॉय फर्स्ट प्लेस इन इम्पोर्ट। अगर आज की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है हमारे इम्पोर्ट्स का, और इसी के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो खर्चा हो रहा है, जो इम्पोर्ट बिल पे किया जा रहा है, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ होता जा रहा है। इम्पोर्ट बिल इंक्रीज़ होने के दो रीज़न्स हैं, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइजेस लगातार राइज हो रहे हैं, दूसरा क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ रही है। तीसरा फिर हम कहते हैं कि इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, मशीन्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स वगैरह की बात करें तो इनका जो हिस्सा है वो लगातार इंक्रीज़ हुआ है इम्पोर्ट्स में। और परसेंटेज टर्म्स में यदि हम बात करें शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स की, हालांकि तो इम्पोर्ट डिक्लाइनिंग पोजीशन में दिखता है। 1990-91 में 24.2% तक शेयर था ये, जो कि 2016-17 में 13.6% तक रह गया है। तो ओवरऑल इम्पोर्ट की बात करते हैं कैपिटल गुड्स की तो वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं तो इम्पोर्ट्स की तो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखता है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का जो इम्पोर्ट है वो हमारा पहले की बजाय इंक्रीज़ हुआ है। 1990-91 में 75.8% तक ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जाता था इम्पोर्ट्स पर, अब ये 2016-17 में इंक्रीज़ होकर 80% तक चला गया है। इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
केमिकल फर्टिलाइजर्स का पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे पेट्रोल के साथ हो रहा था वैसे ही केमिकल्स के साथ या फर्टिलाइजर्स के साथ कि उनके प्राइस राइज होते जा रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पर जब एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे फर्टिलाइजर्स के रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल यदि हम इम्पोर्ट के सिनेरियो की बात करते हैं तो फूड ग्रेन का इम्पोर्ट आपका डिक्लाइन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम, कैपिकल कैपिटल गुड जैसी चीज़ें हैं जिनका इम्पोर्ट आपका लगातार इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की, यानी कि किन किन कंट्रीज़ के साथ फॉरेन ट्रेड होता है। इंडिया के फॉरेन ट्रेड की यदि हम बात करें तो वो ओपेक कंट्रीज़, OECD कंट्रीज़ और इसी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ होता है। इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि किन कंट्रीज़ के साथ हमारा कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है और किस हिसाब से उसमें चेंजेस आए हैं। पहले हम बात करते हैं OECD कंट्री की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? आपकी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, जिसमें UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया कंट्रीज़। ओशिनिया कंट्रीज़ जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगर आप लास्ट 36 ईयर्स की बात करें, यानी लास्ट कुछ ईयर्स के हम ट्रैक को देखते हैं यदि, तो एक्सपोर्ट है जो इन कंट्रीज़ के साथ वो हमारा डिक्लाइन हुआ है और इम्पोर्ट है जो वो भी डिक्लाइन हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक, ओपेक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसी कंट्रीज़ आती हैं। और इन कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो आप कह सकते हैं कि पहले से इंक्रीज़ हुआ है और इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी ओवरऑल फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है ओपेक कंट्रीज़ के साथ। ईस्टर्न यूरोप की बात करें जिसमें रशिया, बुल्गारिया, रोमानिया जैसी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट्स का शेयर डिक्रीज़ हुआ है, इम्पोर्ट्स का शेयर भी डिक्रीज़ हुआ है। एक्चुअली USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड था इन कंट्रीज़ के साथ वो काफ़ी श्रंक हो गया। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों ही लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। इसमें जनरली हम एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड करके चल रहे हैं, उनके ट्रेड को इंक्लूड करके चल रहे हैं। 2016-17 में यदि आप बात करें चाइना के अकेले, तो चाइना थर्ड मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन उभर कर आया है इंडिया के लिए और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स रहा है। तो ओवरऑल यदि हम इनको समराइज करें तो हम देख सकते हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बाद OECD नेशंस के साथ हो रहे हैं। इसी चीज़ को हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हुई है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाए गए हैं जहाँ डिफरेंट इकोनॉमिक कंट्रीज़ के ग्रुप्स के साथ। तो 2016-17 में यदि आप देखेंगे तो 2016-17 में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा किसके साथ हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, और उसके बाद OECD कंट्रीज़ के साथ, उसके बाद ओपेक कंट्रीज़ और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ का काफ़ी स्मॉलर हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 1980-81 में काफ़ी बड़ा था। फिर हम यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि डिफरेंस कितना है टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इम्पोर्ट्स के बीच में यदि मटेरियल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। हमारे इम्पोर्ट्स हैं जो वो लगातार आपके ज़्यादा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स लगातार कम रहे हैं, जिसके कारण इंडिया को अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फेस करना पड़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। और 1972-73 में पहली बार ऐसा हुआ था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के लिए फेवरेबल रहा, उसके बाद 76 और 77 में ऐसी सिचुएशन आई, अदरवाइज बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के लिए अनफेवरेबल ही रहा है। इस टेबल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि दो ही आपके ईयर ऐसे हैं 72-73, 76 और 77, जहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस साइन में आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हर जगह पर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव साइन में दिखा रहा है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के लिए अनफेवरेबल रहा है। और ऐसे में आप देखें तो दूसरी चीज़ आपको क्या दिखाई देगी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल जो रहा है,
ये जो डेफिसिट है ये लगातार हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। और ये जो डिसइक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल रहा है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि लार्ज इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया को मशीन्स का, फिर वॉर इक्विपमेंट्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज़ हो पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है।